सबसे पहले तो आपको मैं वेलकम करूंगा डेनमार्क के अंदर और कोपेनहेगन के अंदर, आपका स्वागत है इंडिया के अंदर। ये बताइए अलका जी, मैं आपको अलका बोला सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपका वैसे तो आपको कृष्ण प्रिया अलका गोयल कहते हैं, ठीक है, मैं आपको अलका जी बोलूंगा इंटरव्यू के अंदर। ये आपका पहला विजिट है कोपेनहेगन के अंदर? जी जी जी। अच्छा, इसके पहले आप कहाँ कहाँ गए हुए हैं बाहर? ऑल ओवर इंडिया। All over India. इसका मतलब विदेश में आपका पहला? जी जी, पहला। अच्छा। विनोद अग्रवाल जी जो मेरे को, जो मेरे गुरु हैं, उनके थ्रू भी इनकी बड़ी तारीफ सुनी, और नॉर्वे वालों ने भी बड़ी तारीफ इनकी करी, और तारीफ सुन के फिर इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। ये जो कार्यक्रम, ये जो सब जगह जगह जाके हम लोग करते हैं, ये तो मैं 2006 से शुरू कर रहा हूँ मुझे। और म्यूज़िक का सब्जेक्ट तो रहा है लेकिन सीखा नहीं है। गॉड गिफ्टेड है, ऊपर वाले की कृपा है, और विनोद अग्रवाल जी मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। बस उन्हीं की स्टेज में पहला भजन गाया था, बस तभी से ये यात्रा शुरू हुई है। मेरे साथ मेरी कोरस में मेरी सिस्टर है नीलम खन्ना, और ढोलक पे हैं सुरेश मेहरा जी, और कीबोर्ड में है तिलक जी, वो अभी है नहीं। अभी जो आपका प्रोग्राम है उसकी कुछ तैयारी आपकी की होगी, आप क्या सुनाना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? इस बात को मैं नहीं बता सकती, मुझे खुद ही नहीं पता मैंने क्या सुनाना। अच्छा, अच्छा। है मैंने आपको कुछ वीडियोस देखे हैं जी जी इंडिया के अंदर के। हाँ जी। उसमें मैंने देखा है कि आपके व्यूअर्स या फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है, मेरे ख्याल से कुछ 23 लाख ऐसे कुछ पता नहीं कितने फिगर्स मुझे मिले, मुझे खुद नहीं मालूम, ना मैंने यूट्यूब में डाला है, ना मैंने इस लाइन से मेरा कोई संबंध ही नहीं है, कौन डालता है क्या डालता है ये भी मुझे नहीं मालूम। लेकिन आपके वीडियो तो देखे होंगे ना वो? हाँ, वो मैंने देखे हैं, मैंने ये इतनी गहराई में मैं गई नहीं कि मुझे कौन डालता है या कौन इतनी, क्योंकि अब इतने प्रोफेशनल नहीं है। अच्छा, अब ये बताइए आपके व्यूअर्स जो आपको सुनने वाले जो है किस तरह के हैं लोग, बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं? सभी सुनते हैं, सभी सुनते हैं, लेडीज ज़्यादा फैन फॉलोअर्स हैं मेरी, क्योंकि जो मैं भजन गाती हूँ, मेरे बिल्कुल सिंपल से भजन होते हैं, मेरे भजन कोई भी गा लेता है, शैली ऐसी है कि हर कोई गा लेता है, क्योंकि इसमें शास्त्रीय टच, शास्त्रीय संगीत का कोई टच नहीं है, सिंपल से भजन है, सब हर कोई गा लेता है। टी सीरीज से निकले हुए मेरे 20-25 नंबर निकले हुए हैं। अच्छा, अब ये आपका प्रोग्राम जो है सैटरडे को है जी, इसमें आप दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, दर्शकों को तो मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि भाई जितना हम लोग इतनी दूर भारत से यहाँ पर आए हैं तो अपने धर्म का प्रचार के लिए ही आए हैं, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके, हमारे धर्म के प्रचार को और आगे बढ़ा सके, और ख़ासकर बच्चों के लिए, जो यंग जनरेशन है यहाँ की नॉर्वे की, और जिस परिवार में हम आए हैं अवस्थी जी के, तो लगता ही नहीं है कि हम यहाँ नॉर्वे में बैठे हैं, ऐसा लगता है हिंदुस्तान में भी इतना अच्छा कल्चर नहीं होगा, इतने अच्छे संस्कार नहीं होंगे जो ये परिवार अपने बच्चों को दे रहा है और यहाँ देखने को जो मिला है, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपने धर्म प्रचार की बात की जी, तो आपको कुछ इसको बताएंगे डिटेल में कैसे? सिर्फ भजन गाने से धर्म प्रचार नहीं होता ना? देखिए, धर्म प्रचार नहीं होता, लेकिन हम भजनों के बीच में उस भजनों की वर्डिंग्स को थोड़ा सा समझाते हैं, थोड़ा सा समझाते हैं, तो उसी भजन को गाते हुए थोड़ा बहुत जो हम अपनी कोशिश करते हैं मैसेज देने का कि लोग हमारे धर्म से जुड़े, बस वही थोड़ा बहुत जो मैसेज होता है, कई लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, कई लोग नहीं करते, हमारी कोशिश रहती है कि लोग जुड़े। लेकिन आपके जो व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले आएंगे, जो आते हैं इंडिया में भी जो है सब इंडियन है, उनको हमारे भगवान के बारे में, हमारे धर्म के बारे में पहले से ही पता है जी जी, तो इसमें स्पेशलिटी क्या है आपकी? स्पेशलिटी तो ये है कि और ज़्यादा जुड़ जाएंगे, गीत बहुत अच्छा माध्यम है, आप भी चाहेंगे कि मैं भी किसी को कुछ सुनाकर इसके साथ जोड़ूं, भक्ति के साथ। दे दे थोड़ा प्यार तेरा, क्या घट जाएगा, सांवरे सलोने मेरा काम बन जाएगा, thank you।
दे थोड़ा